नमस्कार, जय भीम। मैं दुर्गेश बहुत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जय भीम वर्ल्ड भोजन की आवाज़ पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कल यानी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, तो हम किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना सकते हैं। जो आप लोग जानते हैं कि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 14 अप्रैल तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक लॉकडाउन लगाया गया है, तो ये गलत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए हमारे समाज के लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें कौन लोग मारे जाते हैं, इसमें हमारे बहुजन समाज के लोग मारे जाते हैं। और एक सवाल ये भी उठता है कि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम किस प्रकार से मना सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार अम्बेडकर, उनसे हम बात करके जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को हम किस प्रकार से मनाएं। सादर जय भीम दोस्तों। जैसा कि हमारे देश में महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, इसके चलते हुए हम बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम बाहर ना जाकर उनकी प्रतिमा में फूल माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इसमें सुरक्षित रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है सुरक्षित रहना। तो इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि आप अपने घर में, आंगन में, छत में आप कैंडल जलाइए और बाबा साहब आपके यहाँ फोटो माल्यार्पण करिए और फूल डालिए और कैंडल जला कर उनका अभिवादन करिए। तो ये कैंडल जो जलाएंगे तो हम कितने बजे से हम कैंडल, देखिए कैंडल जलाने का समय 7:30 से 8:00 के बीच में, इस टाइम में किसी भी वक्त आप जला सकते हैं। राजकुमार अम्बेडकर जी 5 अप्रैल को भी हमारे समाज के लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने दिए जलाए थे, तो हाँ, तो इसके बारे में देखिए हम बता दूँ। प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि कैंडल जलाने से और दीपक जलाने से कभी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हो सकती, तो इससे यह साबित होता है अखंडवाद को बढ़ावा देना है। और 14 अप्रैल की बात मैं बता दूँ, विश्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो भारत एक संविधान निर्माता है, आज का इन्हें मान सम्मान एहसान भी माना जाता है, तो इसलिए हम लोग भी अपने घर पर जलाएंगे, आप भी जलाइए और 2-4 लोगों को बताइए और ये एक ऐतिहासिक परंपरा बन जाए। इस प्रकार से इनका कहना है कि आप लोग किसी भी प्रकार का जुलूस वगैरह न निकालें, जो भारत में लॉकडाउन किया गया है उसका पालन करते हुए हम शांतिपूर्वक रात 8 बजे से कैंडल जलाकर अपने घर के छतों पर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करेंगे और अपनी बहुजनों की एकता का संदेश देंगे लोगों को। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हम ये छोटा संदेश चैनल के माध्यम से हम आपको ये छोटा संदेश पहुँचाना चाहते थे। इसके साथ ही आप सभी को सादर नमो, जय भीम, जय भारत, जय भीम।